कर्पूरी जी की जयंती पर कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर दरभंगा डीएम ने किया माल्यार्पण। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज कर्पूरी चौक पर कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर समाहरणालय के कई अधिकारी डीएम के साथ मौजूद थे। दरभंगा डीएम सुबह 9 बजे कर्पूरी चौक अवस्थित कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस मौके पर उनके साथ आए अधिकारी ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरभंगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पूर्व मुख्य कार्यक्रम में स्टेडियम में डीएसपी एवं एसडीओ ने किया रिहर्सल। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में 26 जनवरी मुख्य कार्यक्रम को लेकर के एसडीओ स्पर्श गुप्ता एवं डीएसपी जगदानंद ठाकुर ने सलामी देते हुए मुख्य कार्यक्रम का रिहर्सल किया। इस मौके पर जवानों ने सलामी दी। करीब 2 घंटे तक रिहर्सल कार्यक्रम चला है। गौरतलब है 26 जनवरी को 9 बजे झंडोत्तोलन यहाँ होगा। हाँ, लोग राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को लेकर जो हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है उस उपलक्ष में परेड की तैयारी के क्रम में आज मेरा अंतिम रिहर्सल परेड था, जिसमें एडीएम साहब, एसडीओ साहब आए हुए हैं, जो निरीक्षण अंतिम परेड का निरीक्षण भी किया गया है। दरभंगा पहुंचे हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर के सुरक्षा महानिदेशक एम आर नायक। दरभंगा हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने एवं कटर व्यू के कार्य प्रगति के साथ भवन निर्माण के द्वारा फेंसिंग एवं अन्य कार्यों के साथ सुरक्षा गार्डों की प्रशिक्षण एवं तैनाती सुरक्षा को लेकर के एम आर नायक ने यहाँ विशेष हिदायत देते हुए कहा कि हवाई अड्डे की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाए। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बच्चों को बताई गई इसका महत्व। दरभंगा की जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बच्चियों को उनके हक, अधिकार एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस का आखिर महत्व क्या होता है, इस विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जावेद आलम ने सभी बच्चों को उनके अधिकार के बताया। इसमें शिक्षिका भी मौजूद थी। बालिका दिवस के रूप में हम लोग आज अपने प्राधिकार में एक बालिका दिवस मना रहे हैं, जिसमें मेनली जो बालिका है उनके क्या राइट्स है, क्या हुकूक है, अपने राइट्स को कैसे प्रिजर्व कर सकती है और क्यों मनाया जाता है, इसका क्या संदर्भ है, ये सब के बारे में बताने के लिए मनाया जा रहा है। दरभंगा में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जनाधिकार पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी धरना में हत्या के खिलाफ आक्रोश। दरभंगा के धरना स्थल समाहरणालय के पास जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खा के नेतृत्व में बिहार में बढ़ रहे अपराध, हत्या, बलात्कार के खिलाफ पप्पू यादव के कहने के बाद आज राज्यव्यापी धरना दिया गया। इसमें अपराधियों की गिरफ्तार करने की मांग की गई। माननीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज कर्पूरी जयंती के कर्पूरी जयंती के उपलक्ष्य पर सभी नेताओं, हर पार्टी के नेता जाएंगे कर्पूरी जी के स्मारक पर माला चढ़ाएंगे और चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय पप्पू यादव जी का कहना हुआ कि आप लोग को, हम लोग को ऐसा नहीं करना है, हमारी पार्टी बिहार के अंदर में बच्चों के साथ जो निर्मम बलात्कार कर हत्या कर दिया जा रहा है उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है, बल्कि प्रशासन उसको बचाने की कोशिश करते उसके खिलाफ धरना होगा। बहादुरपुर थाना के पुरखपट्टी में दो लड़कियों की हत्या के खिलाफ भाकपा माले ने एसएसपी कार्यालय के समक्ष किया घेराव। दरभंगा के एसएसपी कार्यालय के समक्ष भाकपा माले एवं पुरखपट्टी के सैकड़ों महिला पुरुष ने दो नाबालिग लड़की की बलात्कार और हत्या को लेकर के आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि जब तक जिला प्रशासन अपराधी एवं हत्यारी को गिरफ्तार नहीं करती तब तक यह अनशन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग आए हैं एसपी साहब के सामने गुहार लगाने के लिए पुरखपट्टी के ग्रामीण
आए हैं कि इंसाफ मिले। आज ये सवाल सबसे अहम सवाल है। जिस तरह से दो लड़कियों की घास काटने के लिए गई हैं और उस दौरान उनकी बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, और उस मामले में पुलिस की जो असंवेदनहीन व्यवहार है कि 15 तारीख को घटना होती है, 16 तारीख को कहिए कि 15 को ही सूचना हो जाती है, 16 को एफआईआर दर्ज होता है। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में डीएम के निर्देश के बाद डीडीसी ने सभी विकास पदाधिकारी से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के किया समीक्षा बैठक। दरभंगा डीडीसी ने सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी, सीडीपीओ, जीविका सहित अन्य लोगों के साथ बैठक करके जिले में 15 से 18 वर्ष और 60+ प्रोटेक्शन वैक्सीन को लेकर के समीक्षा बैठक की। जिला पदाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश वैक्सीनेशन और कोविड टेस्टिंग की हम लोगों ने अभी सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, MOIC, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, CDPO, जीविका सभी लाइन डिपार्टमेंट के साथ VC ली है। 15 से 18 वर्ष का एज ग्रुप, 60+ का प्रिकॉशन डोज, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और सभी जो वैक्सीनेशन है उसमें जो कोऑर्डिनेशन के चाहे इश्यूज हों या किस तरह हम लोग और प्रगति ला सकें। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक भोला यादव के साथ सभी ने किया माल्यार्पण। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर कर्पूरी जी की प्रतिमा पर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता एवं कार्यकर्ता एवं जिला अध्यक्ष ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर सबों ने सच्ची श्रद्धा के साथ कर्पूरी ठाकुर जी के कर कमलों पर चलने की बात कही। दरभंगा के प्रसिद्ध पौराणिक अहिल्या स्थान के धार्मिक न्यास समिति की बैठक बिस्फी विधायक हरिभूषण बचौल के नेतृत्व में। हरिभूषण बचौल बिस्फी विधायक ने अहिल्या स्थान के जीर्णोद्धार को लेकर के एक बैठक बुलाई, जिसमें कहा गया कि 13 फरवरी को आसपास गांव के लोगों को बुलाया जाए ताकि मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विवाह भवन एवं अन्य दुकान की मरम्मति की जाए एवं दुकानदारों से 15 दिन के अंदर पुराना भाड़ा वसूला जाए और फरवरी माह से नया भाड़ा वसूला जाए। इस मौके पर सचिव कोषाध्यक्ष के साथ CO भी मौजूद थे। पिछले 24 घंटे में दरभंगा DMCH में 51 कोरोना मरीज की सूचना, अधिकारियों ने किया विभाग का निरीक्षण। दरभंगा DMCH के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में RT-PCR टेस्ट में 51 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे लेकर के दरभंगा DMCH के आइसोलेशन में अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण के क्रम में वहां की कमी को दूर करते हुए कहा गया कि अभी तक कोई मरीज आइसोलेशन में नहीं आया है, लेकिन तैयारी यहाँ पूरी है। सदर प्रखंड मुख्यालय के IT भवन निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर उप प्रमुख ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सदर प्रखंड मुख्यालय में IT भवन के निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता को लेकर प्रखंड के उप प्रमुख राकेश कुमार रोशन ने दरभंगा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि भवन निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। बता दें कि भवन निर्माण की प्राकलन राशि लगभग 6 करोड़ है। वही भाजुओं जिला मंत्री रवि प्रकाश झा ने कहा कि भवन निर्माण में मसाला बनाने के लिए गड्ढे का पानी का उपयोग किया जाता है। ब्लॉक के अंतर्गत जो IT भवन का निर्माण हो रहा है उसमें घोर अनियमितता देखने को मिल रहा है, जिसको संज्ञान में लेते हुए हमारे उप प्रमुख महोदय ने लिखित रूप से वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं। जैसे कि ये इतना बड़ा इमारत यहाँ पे बन रहा है जिसमें मटेरियल से लेकर के और यहाँ तक कि क्या बताएं, गड्ढे का पानी से मसाला बनाया जाता है यहाँ पे, और समय सीमा जो तय है उसके अनुरूप जो भी यहाँ पे अभी तक काम हुआ है उसमें क्वालिटी 0 मात्रा में है। जैसे तैसे काम कराया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन अब इस टाइप के अनियमितता को लेकर के हमारे सदर प्रखंड के प्रमुख उप प्रमुख महोदय संज्ञान में लिए हैं इस मामले को और वरीय पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचना भी दिए हैं। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होता है।
जिसके बाद अगर मान लीजिए कुछ भी ऊपर से आता है सिस्टम, उसके बाद अगर उचित कार्रवाई नहीं किया गया